दिल्ली के कीर्ति नगर के एक फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई। इस मौके पर 30 से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हाथरस के थाना सासनी पुलिस और एसओजी से मुठभेड़ में 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गौरव शर्मा गोली लगने से घायल हुआ है। उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। महाराष्ट्र में कड़े प्रतिबंधों के बावजूद कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। इसके मद्देनजर मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सख्त लॉकडाउन लगाने का फैसला किया गया था। हालांकि इसकी अधिकृत घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आज नए दिशा निर्देशों के साथ मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में लॉकडाउन की घोषणा कर सकते हैं। कोरोना की वजह से पैदा हुई चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर कर्नाटक की सरकार ने नाइट कर्फ्यू का फैसला किया है। आज रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा और ये 4 मई तक व्यवस्था रहेगी। अमेरिकी अदालत ने मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन को जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का दोषी माना है। वाशिंगटन की हेनिपिन काउंटी कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर के बीच देश भर में आज रामनवमी मनाई जा रही है। इसी मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई दिग्गजों ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के मुताबिक देश में कल तक कोरोना वायरस के लिए कुल 27,10,53,392 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 16,39,357 सैंपल कल टेस्ट किए गए। अतिरिक्त मुख्य सचिव पशुपालन विभाग पंजाब विजय कुमार जंजुआ आईएएस ने एक आदेश जारी करके डॉक्टर संजीव कुमार खोसला को पशुपालन विभाग का डायरेक्टर नियुक्त किया है। डॉक्टर खोसला ने अपनी नियुक्ति के बाद आज अपना पदभार संभाला। टीवी की मशहूर और जानी मानी एक्ट्रेस हिना खान के पापा ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया है। ये रिश्ता क्या कहलाता है से घर घर में अक्षरा के नाम से पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस के पिता का उनके मुंबई स्थित आवास में कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया। कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि भारत की ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैपेसिटी दुनिया में सबसे बड़ी है, जबकि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। देश दुनिया दी ताजा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज अजीत न्यूज ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला ਸਾਡਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਡੇਲੀ ਅਜੀਤ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੀਤ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਐਡੀਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਜੀਤ ਈ ਪੇਪਰ ਐਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਜੀਤ।